दूध ये एक संपूर्ण आहार है जिसे पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है दूध के अंदर प्रोटीन कैल्शियम ओमेगा थ्री फैटी एसिड और कई तरह के वाइटमिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में भी काफी फायदेमंद है दूध के सेवन से हम तनाव जैसी समस्या से दूर रहते हैं इसके अलावा दूध हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है दूध एक ऐसा आहार है जिसे बच्चे बूढ़े या फिर किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोगों को दिया जा सकता है और इसके सेवन से शरीर की कई सारी कमियों को दूर किया जा सकता है अब वैसे तो दूध को पीना लगभग हर किसी के लिए फायदेमंद माना जाता है लेकिन किसी किसी बीमारी में दूध को पीना खराब भी बताया जाता है अब ऐसे में आज हम जानेंगे कि किडनी के मरीजों के लिए दूध का सेवन कैसा रहने वाला है क्या किडनी रोगी दूध को पीकर अपनी किडनी की समस्या को कम कर सकते हैं या दूध का सेवन किडनी रोगियों को नुकसान पहुंचा सकता है आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी रोगी दूध को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं या नहीं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर हम किडनी मरीजों के लिए दूध के सेवन की बात करें तो किडनी के मरीज दूध का सेवन कर सकते हैं लेकिन दूध के सेवन से पहले उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी होगी आपको बता दें कि दूध प्रोटीन और फॉस्फोरस का एक अच्छा सोर्स माना जाता है जिसका ज्यादा सेवन ब्लड में किटनाइन की मात्रा को बढ़ा सकता है और इससे किडनी मरीजों को और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो दूध को आप बहुत ही कम मात्रा में लें और इसे डायरेक्ट लेने के बजाय चाय के रूप में ही लेना प्रेफर करें लेकिन ध्यान रहे कि दूध से बनी चाय को भी आपको दिन में सिर्फ ही बार लेना है क्योंकि ज्यादा चाय पीना भी आपकी किडनी की समस्या को बढ़ा सकता है अब आखिर में बात करें कि किडनी के बीमारी में आपको कौन से दूध को कंज्यूम करना है तो किडनी रोगियों के लिए डबल टोन मिल्क और गाय के दूध को ही अच्छा माना जाता है इसलिए आप जब भी दूध का सेवन करें तो हमेशा डबल टोन मिल्क या फिर गाय के दूध का ही सेवन करें तो अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो दूध के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें साथ ही किडनी के सही ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर आप भी किडनी से रिलेटेड या फिर किसी भी अन्य समस्या से परेशान हैं तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं कर्मा आयुर्वेदा ने अब तक डेढ़ लाख से अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज वे बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हेल्दी रहें। नमस्कार